ये आज हम बेबी बूटी स्लीपर जो भी आप सब कहें वो बना रहे हैं। ये देखिए, देखने में अच्छा लग रहा है, और अगर इजी भी है। इसका लेडी इसी का इसी डिज़ाइन का लेडीज स्लीपर मैंने डाला हुआ है, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं। ये देखिए पिंक कलर का, इधर से इसमें कहीं भी सुई का यूज़ नहीं हुआ है, नीचे भी सिलाइयों से ही जोड़ा गया है, और ये साइडों में भी, उसमें मैंने सिलाई करी थी लेकिन इस वाले में भी सिलाइयों से ही ये जोड़ा है। ये आगे से ऐसे लग रहा है, और अगर बच्चे पैर से निकाल देते हैं तो आप यहाँ पे जालियाँ बना के इसे डोरी से ऐसे कर भी सकते हैं जिससे वो गिरे ना। इसके लिए मैंने ये फंदे थोड़ा अलग तरह से डाले हैं, और इन्हीं दो कलरों को मैंने इसके लिए दो कलर पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक लिया है, और इनके तीन धागे लेके, दो धागे डार्क पिंक के, एक धागे पिंक धागे लेके मैंने ये 41 फंदे डाले हैं। आप बच्चे के पैर के हिसाब से देख लें, यहाँ से जैसे डालते हैं तो वो साइज उसके हिसाब से फंदे डालें। ये मैंने बिल्कुल छोटा बनाया है, और इसके लिए मैंने 41 फंदे डाले हैं, और 41 फंदे डालने के बाद मैंने दो सिलाइयाँ, चार सिलाइयाँ ये लाइट पिंक से और एक सिलाई डार्क पिंक से, मतलब कुल छह सिलाइयाँ मैंने बुनी है। उसके बाद ये डिज़ाइन पड़ा है। इस डिज़ाइन की जगह आप कुछ और भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे डाला है। बच्चों की चीज़ें तो जितनी कलरफुल हों और फैंसी हों उतनी ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए फंदे, ये वाले जरा से चेन से और फंदे की लुक बहुत ही सुंदर आ गया। ये देखिए मैंने दो धागे, एक डार्क, दो डार्क और एक लाइट करके डाला है, और ये दो सिलाइयाँ, दो चार सिलाइयाँ डार्क लाइट पिंक की और दो सिलाइयाँ डार्क पिंक की डाल के मैंने ये बॉर्डर ऊपर वाला बना लिया। आप कम रखना चाहते हैं कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। उसके बाद हमें ये वाली डिज़ाइन डालनी है। ये डिज़ाइन कैसे डलेगी, ये उसमें उस पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा हुआ, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। और इसको बनाने के लिए मैंने 41 फंदे डाले हैं, तो 20 फंदे इधर, 20 फंदे इधर, बीच में एक फंदा जो सेंटर का आएगा उसमें ये वाले फ्लावर्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्लावर्स लाइट पिंक से बनाए हैं, तो आप डार्क पिंक से या जो आपकी मर्जी हो आप उससे बना सकते हैं। ये दो फंदे पिंक बुन लिए, इसे फिर पीछे से ऐसे टाइट कर लेंगे, दो फंदे पिंक बुन लिए, और एक इस तरह से, ऐसे नहीं इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में सिलाई डाल के इसे बिना बुने उतार लेंगे। दो जो हैं ये सिर्फ शुरू और लास्ट में बुने जाएंगे, और बीच में सारे एक ही पिंक बुना जाएगा। एक लाइट पिंक बुनेंगे और एक उतारेंगे, एक बुनेंगे और एक उतारेंगे, एक बुनेंगे 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 एक उतारेंगे। इस तरह से करते हुए हमें 20 फंदे इस सिलाई पे रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20 फंदे हमने उतार लिए। कोशिश करें कि यहाँ पे ये जो है ये बिना बुना वाला ही फंदा है। और अब यहाँ पे फ्लावर जो है ये कैसे बनाने हैं, ये जो सेंटर वाला फंदा है, 20 इधर 20 इधर, 41 फंदे डाले थे, और बीच वाले फंदे में मैंने लेडीज स्लीपर में डिफरेंट तरह से बनाए थे, इसमें थोड़ा मैं डिफरेंट बना रही हूँ। इसी फंदे के बीच में से हमें 7 फंदे बनाने हैं। ये आप 6 भी कर सकते हैं, एक फिर ऊन आगे करेंगे, इसी में से एक उल्टा बिन लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, फिर ऊन पीछे एक सीधा, 3 हो गए, ऊन आगे एक उल्टा 4, ऊन पीछे एक सीधा 5, ऊन आगे एक उल्टा 6, ऊन पीछे एक सीधा ये 7। ये 7 फंदे, एक फंदे में से एक उल्टा एक सीधा करके 7 फंदे बन गए, और जैसे हमने इधर बनाया था उसी तरह हम इधर भी 20 फंदे बना लेंगे। इधर लास्ट शुरू में 2 लाइट पिंक थे, तो इधर भी 2 पिंक रहेंगे। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई। अब उल्टी रो में कैसे करना है,
उल्टी रो में हमें ये पिंक वाले धागे जो हमने उधर बुने थे इसे इधर भी बुन लेने। इसमें उल्टी सिलाई कहीं भी नहीं है, पूरी सीधी सिलाइयाँ हैं। पहला फंदा तो उतार लेंगे जिससे वो ये वाला चीज़ स्मूथ सी आए। दो सीधे, फिर ऊन आगे करेंगे, इसको जो उधर बिना बुने उतारा था उसको इधर भी बिना बुने उतार लेंगे, और फिर ऊन पीछे करके और इसको नेक्स्ट वाले को सीधा बुन लेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर सीधा, जो उधर बिना गया था सीधा वो इधर भी सीधा बुना जाएगा, और जो इधर उतारा गया था उसको भी ऊन अपनी तरफ करेंगे, ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऐसे और फिर सीधा, फिर ये सीधा ऐसे, ये ऐसे बिनते हुए हम जहाँ वो बीच में एक सेंटर में हमने 9 फंदे किए थे, एक सीधा एक उल्टा करते हुए हमने बीच में एक फंदे में 7 फंदे किए थे, हम वहाँ तक आ जाएंगे। ये हम यहाँ पे आ गए, इन 9 फंदों को भी हम सीधे ही बुन देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं बार बार 9 बोल दे रही हूँ लेकिन ये 7 फंदे हैं। फिर ऊन आगे करेंगे, पीछे ही रहेगा, ये पिंक है तो इसको बिन लेंगे, ऊन आगे इसको उतार लेंगे, ऊन पीछे, जैसे हमने उधर किया था उसी तरह से बिनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम इधर सीधी तरफ आएंगे तो इस डार्क वाले पिंक से पूरी सिलाई सीधी बिन लेंगे, और उल्टी तरफ आएंगे तो डार्क वाले पिंक से ही हम पूरी सिलाई फिर सीधी बिन लेंगे। हम ये बिनते हुए इधर आ गए, अब हमें इस वाली पिंक वाली सिलाई से पूरी सिलाई सीधी बुन लेनी है, और उल्टी तरफ भी पिंक वाले ही डार्क पिंक वाले कलर से पूरी सिलाई सीधी बिन के फिर इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए ये 4 फ्लावर 1, 2, 3, 4 ये 4 मैंने बनाए हैं, लेकिन अगर आपको बच्चे के पैर का साइज बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फ्लावर के नंबर्स बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बनाते हुए हम ये 4 फ्लावर्स बना लेंगे। ये देखिए, ये मेरे 4 फ्लावर कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद हम मैंने ये पूरे फ्लावर कंप्लीट होने के बाद मैंने देखिए 1, 2, 3, 4 सिलाइयाँ, मतलब 2, 4, 6, 8 सिलाइयाँ पूरी, ये सिंपल चारों तरफ सिंपल बुन लेंगे। मैंने इसमें एक लाइट पिंक और डार्क पिंक करके बुना है, आप चाहें तो डार्क पिंक या लाइट पिंक जैसे चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने एक सिलाई जैसे ये डार्क की है तो उसके बाद लाइट डाल दिया, फिर डार्क, फिर लाइट करके ऐसे मैंने बुन लिया है। और उसके बुनने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। ये बिल्कुल प्लेन सीधी सीधी ही बुनी जाएंगी। आप अगर उल्टी शुरू से उल्टी उल्टी बुने तो उल्टी उल्टी भी बुन सकते हैं, और मैंने शुरू से सीधी सीधी ही बुनी है इसलिए मैं इसे सीधी सीधी ही बुनूंगी। आप दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से भी बुन सकते हैं और सिंगल कलर से भी आप 8 सिलाइयाँ, 1, 2, 3, 4, 8 सिलाइयाँ बुन के इसके नीचे वाला हिस्सा ये, फिर इसको कैसे जोड़ेंगे ये हम जोड़ेंगे। ये देखिए, 4 फूल पूरे करते हुए 8 सिलाइयाँ, ये एक पिंक डार्क पिंक, एक लाइट पिंक, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क की सिर्फ 1 रो पूरी करते हुए हम कंप्लीट कर चुके हम ये। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हम आ चुके हैं। अब इन दो इसको हमें दोनों पोर्शन को ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसे तो हम सुई से भी सिल के कर सकते हैं लेकिन उसमें फिनिशिंग उतनी नहीं आती। इसको कैसे करेंगे, हम ये उल्टी तरफ से, अब ये लाइट पिंक का काम खत्म हो गया है, ये लाइट पिंक का काम खत्म हो गया तो इसे हम अलग कर देंगे, नहीं बार बार उलझता है। और फिर ये हम उल्टी तरफ आ गए, हाफ हाफ हमने कर लिया, जितने फंदे हैं उसके आधे इस तरह कर लीजिए और आधे इधर, और बीच का ये जो सेंटर वाला जिसपे हम फूल बना रहे थे, अगर ऐसे कोई कन्फ्यूजन हो, थोड़े फंदे हैं कन्फ्यूजन नहीं होगा वैसे, लेकिन अगर सेंटर के फंदे का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे किसी मार्कर पे या पिन पे, सेफ्टी पिन पे उतार सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है,
एक फंदा इस तरफ का है, एक फंदा इस तरफ का और एक बीच का है। ये तीन फंदे सेंटर के हमें लेने हैं, ये तीन फंदे सेंटर के हमें लेने हैं। और उसके बाद इन्हीं तीन फंदों को हर बार टर्न कर करके एक फंदा इधर का एक फंदा इधर का लेके घटाना है और इसे क्लोज कर देना है। और कैसे करना है चलिए देखते हैं। ये पहला फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा, ऊन आगे करेंगे और उल्टी तरफ, ये उल्टी तरह से घटाए जाएंगे। ये दो फंदे हो गए। फिर अब यहां से सिलाई घुमा लेंगे, सिलाई घुमा लेंगे, अब सीधी तरफ आ गए। अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बीच वाला जो सेंटर वाला फंदा है उसको बिन लेंगे सीधा ही। और अब इधर के दो फंदे, ये और ये, अब इन दोनों को सीधा दो का एक कर देंगे। ये दो का एक कर देंगे, ये हो गया। फिर हम सिलाई पलट लेंगे, उल्टी तरफ आ गए, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको उल्टा बिन लेंगे और ये दो का एक कर देंगे। एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर से लेना है, और ऐसे करते करते हम पूरा यहां तक आ जाएंगे। जब ये जो सेंटर के तीन फंदे बचेंगे तब हम इस वाले पोर्शन को ज्वाइन करेंगे। एक बार चलिए और देख लेते हैं। ये उल्टी तरफ दो का एक हो गया। फिर हम सिलाई पलटेंगे और हम सीधी तरफ आ जाएंगे। सीधी तरफ ऊन पीछे कर लेंगे, ऊन पीछे करके इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, बीच वाला सीधा बुनेंगे और इसको एक इधर से लेंगे और एक जो हमारा तीन था उसको इसको दो का एक सीधा बुनेंगे। दो का एक उल्टी तरफ उल्टा सीधा बुना जाए, उल्टा बुना जाएगा और सीधी तरफ सीधा। फिर हम सिलाई पलटेंगे, इसे ऐसे उतार लेंगे, इसे सीधा बुनेंगे और इधर का ये दो का एक कर लेंगे। ऐसे दोनों तरफ से एक एक फंदे लेते हुए जब लास्ट में हमारे तीन फंदे चार फंदे बच जाएंगे फिर हम इस वाले पोर्शन को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये पूरी रो पूरी एकदम बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आई हुई है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि उल्टे तरफ तीनों फंदे उल्टे और दो का एक भी उल्टा करना है, सीधी तरफ तीनों एक उतारना है, बीच का सीधा और दो के एक सीधे बिनने। अब ये बिनते हुए हम लास्ट के चार फंदे बचे हैं, तीन तो हमारे जो सेंटर वाले फंदे थे और एक इधर का, तो इसको हम एक उतार लेंगे, बीच वाला बिनेंगे और ये हम दो का एक करेंगे। सीधा है इसलिए सीधा करेंगे। अब हमारे पास ये तीन फंदे बचे, देखिए इसको टाइट कर लेंगे। ये अब हमारे पास तीन फंदे, इसकी फिनिशिंग सुई से ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसके बाद हमें अब ये वाला पोर्शन सिलना है। इसको हम सुई से भी सिल सकते हैं और एक तरीके से हम और सिल सकते हैं। जैसे ये 13 फंदे हैं तो जो हमने हाफ हाफ किए थे, यहाँ से एक एक फंदे जितने हैं एक एक फंदे हम उठाएंगे इन तीन को छोड़ के। जैसे यहाँ एक, फिर से उठाया दो, तीन, चार, पांच, ये छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 और यहाँ शुरू लास्ट में जरूर उठाएं तो सरफेस स्मूथ आएगा। देखिए
इन तीन को छोड़ के यहाँ पे ये 14 फंदे हमारे चढ़ गए। इस इन में जरूर उठाएं, नहीं तो ये बाद में बहुत बुरा सा दिखता है। उसके बाद हम सिलाई पलट के और ये पूरी सिलाई हम ये जो 14 15 16 17 तीन फंदे ये उठा बिनते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसी कलर से बिनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14 फंदे हमने उठाए थे और तीन फंदे ये सेंटर वाले। बराबर बराबर दूरी पे उठाएं, बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास ना उठाएं, और इन फंदों को भी हम सीधा ही बिन लेंगे। एक दो तीन। अब हमें इधर भी फंदे उठाने हैं, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे उठाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उभर ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम दूसरा ऊन जोड़ के यहाँ से फंदे उठा के 14 फंदे हमें जितने इधर उठाए हैं उतने ही इधर उठाने हैं सेम अमाउंट में, और इस सिलाई पे चढ़ा लेने हैं, और या ऐसे करके भी हम उठा सकते हैं, दोनों तरह से उठा सकते हैं। अगर आप ऊन नहीं जोड़ना चाहते तो आप इस जगह से जैसे ऐसे ये ऊन को इधर ले लेंगे, और ऐसे एक फंदा इस सिलाई पे ले लेंगे, एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरे से, बस देखना है कि ये अंदर से लेना है, ऐसा ना हो कि ऊपर वाले एक धागे से ही हम फंदे ले लें। फिर ये इसमें से लिया और इसे क्रोशिए पे चढ़ा दिया, हमारे दो हो गए। इसी तरह से क्रोशिए से उठाते हुए हमें यहाँ तक 14 फंदे इधर उठाए थे, तो 14 हमें इधर भी उठा लेने हैं, और देख के इधर देखना है कि इधर फिनिशिंग अच्छी आए। ये ऐसे यहाँ पे ऐसे क्रोशिए डाला, आप अपना जो जिस ऊन से हम अभी बिन रहे थे उसको हम ही साथ में ले लेंगे, और ऐसे और फिर इसे सिलाई पे उठा देंगे। ये हमारे तीन हो गए। अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से ऊन जोड़ के सिलाई से भी उठा सकते हैं और इस पे चढ़ा सकते हैं, और जब 14 फंदे उठ जाएंगे फिर हम बिनते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से इधर से भी 14 फंदे उठा लिए और बीच के तीन फंदे, और पूरी सिलाई सीधी बिन ली। और अगर आपको इधर से फंदे क्रोशिए से उठाने में दिक्कत है तो आप यहाँ से ऊन जोड़ के, या जिससे हमने फंदे डालने शुरू किए थे वो फंदा अगर सिरा बचाओ तो उसी से फंदे आप इधर उठा सकते हैं, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप वो करें। फिर हम ये 14 फंदे इस सिलाई पे लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये 13 फंदे लेंगे। और जैसे हमने ये जोड़ा था कि एक इधर का लेके, उसी तरह हमें ये जोड़ने हैं। तो 14 फंदे इधर हम कर लेंगे एक सिलाई में, फिर ये वाला ये सीधी तरफ है, इसको 14 ही ले लेंगे, इसको बीच वाले को सीधा, ये सेंटर वाला भी सीधा, और ये तीसरा इधर वाला, एक बीच का जो तीन फंदों में था इधर वाला और एक इस सिलाई वाला। दो का एक कर देंगे, जैसे हमने ये नीचे किया था उसी तरह हमें करना है। फिर सिलाई पलटेंगे, इस
इसे तो ऐसे ही उतार लेंगे, ये बीच वाला उल्टा, और ये इधर दो का एक उल्टा। फिर सिलाई पलट लेंगे, सिलाई पलटेंगे, ये ऐसे ही उतार लेंगे, ये सीधा और ये दो का एक सीधा। इसी तरह से एक बार इधर से, एक बार इधर से सिलाई पलट लेंगे, ये बीच में छोटी सी बनती जाएगी। और जब लास्ट में चार फंदे बचेंगे फिर हम देखते हैं। ये बीच में ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिना हुआ सा लग रहा है, ये एक बार इधर का एक बार इधर का लेते हुए तीन के सेंटर फंदे, अब ये चार फंदे बचे हैं। तो इन चार फंदों को हमें क्या करना है, नॉर्मली हम ये पहला वाला फंदा उतारते हैं हर बार जैसे उतारते थे, अब इसको हमें दो का एक कर देना है। फिर इसी पे फंदे लेके टाइट कर देंगे और इसे ये दो का एक कर देंगे, दो का एक, और इधर इस वाले फंदे को फिर इस पे लेके अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे ये लूप सा ना आए। और फिर यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया, और उनको कट कर देंगे ये ऐसे कर देंगे। और इस वाले को ये यहाँ पे थोड़ा सा होल सा दिख रहा है, तो जो लास्ट वाले को सुई में दगा के ये सीक्वेंस बराबर बनाने के लिए लाइट वाले ऊन को सुई में ऐसे डाल के एक बार ऐसे ऐसे कर लपेट देंगे, तो यही वाली चीज बन के इन दोनों धागों को सुई में लगा के और ऐसे करके और इधर ऐसे चला देंगे, तो ये बराबर प्रॉपर सा आएगा। देखिए ये देख के बन के बहुत ही फिनिश्ड और सुंदर सा लगता है। ये आपके दोनों पेयर तैयार हो गए, इसको भी सुई में ये जैसे ऐसे करके नहीं, जैसे सपोज ये सुई में दोनों डाल के और ऐसे करके डाल के, और ये पूरा सिरा एक जैसे लगे कि बीच में गैप सा नहीं लगेगा। बनके बहुत ही प्यारे लगते हैं और बच्चों के तो कलरफुल कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लगता है। प्लीज़ ट्राई इट एंड शेयर योर फ्रेंड्स, वीडियो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मैंने कई बार किया है, अगर हम फेसबुक पेज पे जो जो इस सीज़न में विंटर में हमने बनाए अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा देख के कि हमने क्या बनाया इस पूरे सीज़न में, और एक दूसरे से सीखने को और कलर कॉम्बिनेशन देखने में अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सीजन में हम उसे फिर से ट्राई करेंगे कि हमने ये बनाया। और फेसबुक पेज पे विजिट करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।